बता सकते थे भाई, इसके डायगनल दे रखे थे, तो डायगनल को हम किस मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार से क्या करें, कन्वर्ट करें। तो ये कन्वर्ट करने आपको आने चाहिए, तो ये कन्वर्ट कर दिया आपका। अब इसी के हिसाब से इसका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये है कि आपका सोल्व करना है, सोल्व द फॉलोइंग, सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स, सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये दे दिया जी टू एक्स वाई जेड और टी प्लस थ्री, और यहां पे दे दिया जी वन माइनस वन, जीरो और टू, और इससे आगे दे दिया जी इक्वल का निशान थ्री थ्री फाइव फोर और सिक्स। अब इसको सोल्व करेंगे हम। आपने अभी पीछे हमने जब डिस्कशन किया था, कोई भी अगर स्केलर अगर बार है आपका, तो वो पूरी मैट्रिक्स से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये टू जो है पूरी से मल्टीप्लिकेशन होगा, थ्री पूरी से मल्टीप्लिकेशन होगा, और इक्वल के अंदर जो है थ्री, और फिर वो स्केलर जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। टू की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू एक्स टू वाई टू जेड सेकेंड रो टू टी प्लस थ्री वन दा थ्री माइनस थ्री थ्री जीरो जी थ्री टू दा सिक्स। नेक्स्ट इक्वल का निशान थ्री थ्री दा नाइन थ्री फाइव दा फिफ्टीन थ्री फोर दा ट्वेल्व थ्री सिक्स दा एटीन। अब इसको सोल्व करना है भाई, पहले तो इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपने पास क्या आएगा, टू एक्स प्लस थ्री 2y माइनस थ्री 2z प्लस जीरो 2t और प्लस सिक्स इक्वल आ गया आपका 9, 15, 12, 18। अब आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या था भाई, 2 इंटू, अब यहां देख रहे हैं आप 1, 2 वन टू, ये अभी भी आपकी टू इंटू टू ऑर्डर की, और वन टू वन टू, ये भी आपकी टू इंटू टू ऑर्डर की। तो अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपने नियम पढ़े थे, ऑर्डर सेम होने चाहिए, और ऑर्डर अगर उसके सेम है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स उसके क्या होंगे जी, आपके सेम होंगे। तो ए वन वन इक्वल होगा जी आपका टू एक्स प्लस थ्री, ए वन वन इक्वल होगा जी ए वन वन के नाइन के, ए वन टू 2y माइनस थ्री इक्वल होगा जी 15, और 2z प्लस जीरो इक्वल होगा जी आपका 12 के, और इसी के अनुसार 2t प्लस सिक्स इज इक्वल टू 18। अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं x की y की z की और t की। यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे 2x, इसको इस साइड में लेके जाएंगे इक्वल से 9 माइनस 3, तो 2x 9 में से 3 6, तो x की जो वैल्यू आएगी 6 बाय 2 2 3 का 6, तो x की वैल्यू आएगी जी आपके पास 3। उसके बाद 2z प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो 2z इज इक्वल टू 12, z इज इक्वल टू 12 बाय 2 2 6 का 12, z की वैल्यू आएगी जी आपके पास 6। अब इसी के हिसाब से y की 2y 15 प्लस 3, तो 2y 15 प्लस 3 ये हो गया जी आपके पास 18, 2y y इज इक्वल टू 18 बाय 2 2 9 जा 18, यानी y की जो वैल्यू है आपके पास आएगी जी 9। इसी के हिसाब से t की जो वैल्यू है 6 को इस साइड लेके जाएंगे इक्वल से 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 2t is equal to 18 minus 6 यानि 12, और t की वैल्यू जो आ गई जी 12 by 2 6 t is equal to 6। अब आप देखिए आपके लिए लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा यहाँ पे जो क्लासेस ली जा रही हैं, अगर वो समझ में आ रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, कल जहाँ से टॉपिक वगैरह एक्सरसाइज 3.2 उसके दो क्वेश्चन आपके अभी पेंडिंग है, उनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ए 1 4 3 2 2 5 क्वेश्चन नंबर 12 है, और बी आपका है जी -1 2 0 5 3 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो गिवन है ये चीज आपकी, तो इसके अनुसार आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने को पता है a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के अंदर, जब हम दोनों तरफ वही चीज, अगर ये माइनस एक्स है तो इसको आपने क्या करना है, यहां से नेग्लेक्ट करना है। तो दोनों तरफ अगर हम जैसे इनइक्वालिटी के अंदर करते थे, क्या अगर दोनों तरफ एक्स हम ऐड कर दें तो यहां से x की जो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इस साइड x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स, तो जीरो प्लस एक्स एक्स ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी a प्लस बी। a और b को आपने जोड़ना है, तो a और b को जब आप जोड़ोगे a मैट्रिक्स प्लस b जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू x, a मैट्रिक्स थी 1 4 3 2 2 5 और बी जो मैट्रिक्स थी -1 2 0 5 3 1, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x दोनों को आप ऐड कर देंगे 1 -1 0 4 और 2 6 3 + 0 0 2 + 5 7 2 + 3 5 5 + 1 6 ये आपके x की वैल्यू आएगी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। x और y की क्वेश्चन दे रखे है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 4 7 7 3 4 और नेक्स्ट देखिए जी आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी आपकी -3 2 1 1 -1 और 2। यहां से आपने x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है, तो आपको पता है जब हम सोल्व करेंगे इसको क्या भाई, या तो x के कोएफिशिएंट आपके इक्वल होने चाहिए या y के कोएफिशिएंट आपके इक्वल होने चाहिए। 2x प्लस y इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 4 7 7 3 4 ये इक्वेशन होगी जी आपकी फर्स्ट। इसी हिसाब से x माइनस 2y इज इक्वल टू मैट्रिक्स का निशान -3 2 1 1 -1 और 2 ये होगी जी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन
में आप देख रहे हैं x के साथ में जो कोएफिशिएंट है 2, यहां x इंडिविजुअल है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं इक्वेशन सेकंड को, तो x के जो कोएफिशिएंट है वो आपके बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो साइक्लिक इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा जी आपका 2x माइनस 2 टू जा 4y इज इक्वल टू 2 से जब आप इस पूरी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस के 6 4 2 2 माइनस 2 और 4 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं इसको आप इक्वेशन मान लें थर्ड। अब x के जो आपके जो कोएफिशिएंट है दोनों आपके बराबर है। अब आपने पता है इसमें भाई 2x यहां पे है 2x यहां पे है, अगर इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं इक्वेशन थर्ड को अगर क्या कर देता हूं सबट्रैक्ट कर देता हूं यानी माइनस कर देता हूं तो आपके पास x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू बचेगी। तो इसके अनुसार आप देखेंगे सबट्रैक्ट फर्स्ट में से थर्ड को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड को, तो फर्स्ट इक्वेशन राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 2x प्लस y माइनस करना है आपने थर्ड जो इक्वेशन है माइनस का निशान लगाइए माइनस के 2x माइनस वाला है तो प्लस का जाएगा प्लस के 4y, तो आपके पास इसी के हिसाब से जो फर्स्ट की जो आपके पास वैल्यू थी 4, 4, 7, 7, 3 और 4 ये चीज होगी आपकी। अब माइनस जो कर लिया आपने थर्ड जो एक्सरसाइज इक्वेशन के अंदर जो आपकी मैट्रिक्स है माइनस 6, 4, 2, 2, -2 और 4 अब इसको सोल्व करेंगे प्लस के 2x माइनस के 2x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस साइड जो आपका बचा है y प्लस 4y ये हो गया जाए आपका 5y इज इक्वल टू जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट पहले भी आपको बताया था 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 4 और 6 10 4 माइनस 4 0 7 माइनस 2 5 अब 7 माइनस 2 5 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 2 5 4 माइनस 4 0 यहां से आपकी y की वैल्यू कंसर्न हो जाएगी y इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी अपने पास 5 यहां मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आके आपका डिवाइड में हो जाएगा 1/5 10 0 5 5 5 0। अब ये चीज यानी ये 1/5 यहां स्केलर इस पूरे के डिवाइड में है, तो इसको जब आप अंदर लेके जाएंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा डिवाइड होने के बाद आपके पास क्या बचेगा 10/5 यानी 2 0 5/5 1 5/5 1 5/5 1 और 0 ये आ गई जी आपकी y की वैल्यू। एक ही चीज की आपके पास वैल्यू प्राप्त हो गई y की। अब यहीं से हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर किसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू रखेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की। कैसे देखिए ये थी आपके पास इक्वेशन 2x प्लस y y को साइड लेके जाएंगे यानी मैट्रिक्स के अंदर माइनस y साइड करते हैं माइनस y साइड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 और 7 7 3
और 4 और प्लस वाला इस साइड आके किस चीज का हो जाएगा जी आपका माइनस का। ठीक है, अब y की जगह y के अपने पास मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू रख देंगे 2x इज इक्वल टू 4 4 7 7 3 4 और y की जो आपके पास जो वैल्यू थी मैट्रिक्स की वो थी जी 2 0 1 1 1 0। अब यहां से हम आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, देखेंगे 2x इज इक्वल टू 4 - 2 2 4 - 0 4 7 - 1 6 7 - 1 6 3 - 1 2 4 - 0 4। अब x के साथ में यहां 2 मल्टीप्लाई साइड आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 by 2 2 4 6 6 2 4। अब 2 से इसको डिवाइड करना पूरी मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा जब आपके पास रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 4 से 4 को 2 से करेंगे 2, इसको करेंगे 6 को 3 3 2 1 2 2 2 4। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी जब आपके पास एक आएगी x की वैल्यू और एक आ गई आपकी y की वैल्यू, ये दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली थी यहाँ पे। तो आपका जो चैप्टर 3.2 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।